राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक ओर सरकार की ओर से जांच चल रही है, वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र कुलपति को हटाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पिछले दो दिनों से कुलपति सचिवालय के बाहर टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं, जिसके चलते कुलपति पिछले दो दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, जिस कारण छात्रों ने शुक्रवार को कुलपति आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस चीज़ को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो? मेरे पिछले तीन दिन से राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन चल रहा है और इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच भी चल रही है। पिछले तीन दिन से आंदोलन में कुलपति जी निवास स्थान छोड़ के कहीं जा नहीं रहे। स्टूडेंट की समस्या है, वार्डन को लेकर समस्या है, वार्डन को हटा दिया गया बिना किसी वजह के चलते हुए। चीफ वार्डन गर्ल्स को हटाया नहीं जा रहा, शिक्षक भर्ती का घोटाला है और स्टूडेंट्स की जो हॉस्टल की समस्या है उनको लेकर कितने आरोप लगे जा रहे हैं। जब पद के ऊपर रहते हुए जांच चल रही है तो इसको पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। इन सबों को लेकर हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन।